नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज 24x7 हिंदुस्तान की आवाज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ साहिल सदा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन का आज बांगरमऊ में कई जगह भ्रमण कार्यक्रम था। साजन के इस दौरे को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखे देखा जा रहा है। पूर्व विधायक बदलू खान की आवाज पर आयोजित कार्यक्रम में श्री साजन ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है, अब झूठे बयानबाजों और जुमलेबाजों को सत्ता से बेदखल करने का समय आ गया है। श्री साजन ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल है। लचर कानून व्यवस्था व सरकारी भ्रष्ट तंत्र के द्वारा लूट पाट का काम चरम पर है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जनता पूर्णतया त्रस्त है और साहब प्रियंका चोपड़ा की शादी कराने में व्यस्त है। उन्हें देश का और देश के लोगों का कुछ भी ख्याल नहीं है। गंज मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विवेक सिंह के अशोक महाविद्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करते हुए श्री साजन ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सूचना तकनीक के माध्यमों से भी पूर्णतया लैस होना पड़ेगा। अब आवश्यकता है कि आज के सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के दौर में हम इन माध्यमों का भी पार्टी की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए सकारात्मक प्रयोग करें। कार्यक्रम को पूर्व विधायक बदलू खां, विवेक सिंह पटेल के साथ ही मुन्ना अलवी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अर्जुन लाल दिवाकर, आलोक त्रिपाठी, अंजर अहमद, पंकज पटेल, मानवेंद्र तिवारी, इंद्रपाल प्रधान, शेर सिंह यादव, देवेंद्र प्रधान, अमित यादव सहित काफी संख्या में क्षेत्रीय प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। लाइव टीवी न्यूज के लिए साहिल स्वतंत्र की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी का जंगल राज है और आज वही लोग सरकार में हैं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, जिन्होंने कहा था कि गंगा मैया को साफ कर देंगे, जिन्होंने सपना दिखाया था कि गाय माता की सेवा करेंगे, जो लोग स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे थे, एम्स बनाने की बात कर रहे थे, स्मार्ट गांव बनाने की बात कर रहे थे, गरीब की मदद करने की बात कर रहे थे, किसान का कर्जा माफ करने की बात कर रहे थे, नौजवानों को रोजगार देने की बात किए थे, एक सर के बदले 10 सर लाने की बात किए थे। और सरकार में मोदी जी 4.5 साल से, उत्तर प्रदेश में लगभग 2 साल से योगी जी भी हैं। योगी जी केवल माननीय अखिलेश यादव जी के जो काम थे, समाजवादी सरकार की जो योजनाएं थी, जो काम थे बड़े, उन्हीं को अपना काम बता रहे हैं, उन्हीं के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, अपना कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जिस गाय माता की सेवा की बात की थी, उस गाय माता के सहारे देखिए किस तरीके से दंगा कराने की साजिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि इन्हीं के अपने संगठन के लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और युवा मोर्चा के लोग ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गंगा पुल बनाए, नदियों पुल बनाए, अस्पताल बनाए, नदियों के पुल बनाए, आईटीआई बनाए, आईटीआई दो दो आईटीआई क्यों? अपने बांगर बात कर रहे हैं आप, बांगरमऊ की केवल क्यों गिरा? आप देखिए ना कि उन्नाव में कितना मिला। मैं कह रहा हूं अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, सांसद बताएं, उनके सारे विधायक बताएं कि 4.5 साल की मोदी सरकार ने उन्नाव को क्या दिया और 2 साल की लगभग योगी सरकार ने उन्नाव को क्या दिया।